हेलो जय हिंद साथियों स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे जैसे कि आप सभी को मालूम है आईटीआई का टाइम टेबल नया एक जारी कर दिया गया मैं आपको यहां पर डेट दिखा सकता हूं यहां पर जो डेट है यहाँ पर 17 नवंबर 2021 को ये जारी कर दिया गया अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ इसको आप डाउनलोड कहाँ से कर पाएंगे तो डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर ब्राउजर पे जाना है कोई भी आप ब्राउजर यूज करते हैं चाहे आप क्रोम ब्राउजर या गूगल किसी भी ब्राउजर का आप यूज करते हैं उसमें गूगल में आपको जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है आई टी आई इस्पेस स्पेस इस देना है उसके बाद यहाँ पर लिखना है एग्जाम पॉइंट ठीक है इतना लिख के आपको सर्च कर देना है जैसे आप सर्च करते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से और यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर ही आपको देखने को मिलेगा आई एग्जाम पॉइंट इसी पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन होगा और इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आई टी आई टाइम टेबल जारी मोबाइल से डाउनलोड आसान तरीका इसी पे आपको क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह के जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब आपको करना ना है कुछ नहीं यहाँ पर करना है यदि आप पढ़ना भी चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं और यहाँ पर यदि यह आई टी आई फर्स्ट ईयर का पेपर यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं आई टी आई सेकेंड ईयर का डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं इंजीनियरिंग जो कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी और इंजीनियरिंग ड्राइंग का करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका एक क्लिक से आपको वीडियो या पी डी एफ मिल जाएगा नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आई टी आई सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम कब होगा आई टी आई सेकेंड ईयर का और फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम कब होगा यहाँ पर सारी यहाँ पर जानकारी दी गई है इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं और यदि टाइम टेबल की बात किया जाए तो टाइम टेबल यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं आई टी आई टाइम टेबल डाउनलोड इसी पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक डाउनलोड करने का ऑप्शन शो करने लगेगा और यहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे अब यहाँ पर मैं आपको जानकारी देता हूँ इस टाइम टेबल में किन छात्रों का एग्ज़ाम कराने की बात कही गई है जो कि आप जैसे ही टाइम टेबल को ओपन करते हैं कुछ आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पर सबसे पहले कहा जा रहा है जितने भी छात्र ध्यान से सुनिएगा बात को जितने भी छात्रों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है जो कि प्रैक्टिकल का और यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का और सीबीटी एग्जाम का उनका एग्जाम कराने की बात चल रही है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं पहले नंबर पर रेगुलर ट्रेनिंग एनुअल सिस्टम का जो कि दो में जो छात्र एडमिशन लिए थे ध्यान से बात को सुनिएगा और उनका जो 21 में एग्जाम होने वाला था सेकेंड ईयर का सी और यहाँ पर ई का और यहाँ पर प्रैक्टिकल का जिन छात्रों का नहीं हुआ है उनका यहाँ पर कराया जाएगा दूसरी बात यहाँ पर दूसरे नंबर पे लिखा गया है कि जो सेशन 2020 में एडमिशन जो छात्र लिए थे 2022 तक के लिए फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है उनका वनली प्रैक्टिकल और यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर कराने की बात चल रही है तीसरी यहाँ पर जो खबर है इसमें ये लिखा गया है कि रेगुलर ट्रेनिंग एनुअल सिस्टम जो कि सेशन 2020 में जो एडमिशन ले थे 2021 जो कि जिन छात्रों का वन ईयर का कोर्स है ध्यान से बात को सुनिएगा जिन छात्रों का वन ईयर का कोर्स है उनका सी और जो इंडियन ड्राइंग का आ, यहाँ पर जो पेपर कराने की बात चली है इसमें आपको दिखाया गया अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ टाइम टेबल कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे टाइम टेबल यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए बारे में यहाँ पर बताया भी गया है उसको भी आप कर सकते हैं इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं ठीक है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी कब से आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होना तो मैं आपको मेन चीज़ यहाँ पर दिखाता हूँ जो कि यहाँ पर टाइम टेबल के बारे में बताया गया तो आप जैसे यहाँ पर नीचे आ जाते हैं यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे तो आपका यहाँ पर डेट जो दिखाया गया यदि आप ध्यान से बात को सुनिएगा यदि आप एनुअल एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं मतलब कि आप वन ईयर के छात्र हैं तो भी देखिएगा और सेकेंड ईयर के छात्र हैं तो भी देखिएगा तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर के छात्र ध्यान देंगे तेरह बारह दो हज़ार इक्कीस अर्थात तेरह दिसंबर दो हज़ार इक्कीस को मंडे पड़ रहा है उस दिन और दस बजे से फर्स्ट ईयर वालों का पेपर होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का किसका होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर होगा जो छात्र दो हज़ार बीस में अगस्त में एडमिशन लिए थे उनका होगा फर्स्ट ईयर का मतलब कि ये आपका फर्स्ट ईयर का है उसके बाद जो सेकेंड ईयर के छात्र हैं ध्यान से बात को सुनिएगा उनका ढाई बजे से पेपर होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का सभी ट्रेडों का मतलब किसी एक ट्रेड की हम बात नहीं करें इलेक्ट्रीशियन की बात नहीं करें न फीटर की बात सबकी मतलब कि जितने भी ट्रेड हैं उन सभी ट्रेडों का जो छात्र सेकेंड ईयर के हैं उनका ढाई बजे से पेपर कराया जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का सभी ट्रेडों का इसके बाद यहाँ पर चौदह बारह दो हज़ार इक्कीस को देखने को मिल जाता है आपका ट्यूजडे के दिन और वेन्स्डे दो दिन यहाँ पर कराया जाएगा क्योंकि प्रैक्टिकल जो होता है दो दिन या तीन दिन कराया जाता है और ये पर्यटिकल जो होता है इसका डेट निर्धारित तो नहीं होता है कि आपको इतने ही डेट में कराना है कभी कभी पिछले जो यहाँ पर टाइम टेबल आया था उसमें तीन डेट दिया था तीन डेट में किसी कॉलेज को एक डेट यहाँ पर मिला किसी कॉलेज के एक डेट मिला तो वो कॉलेज के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप अपने संस्था में इतने डेट के अंदर आपको प्रैक्टिकल कराना अनिवार्य है तो वो लोग प्रैक्टिकल कराते हैं तो यहाँ पर ट्यूजडे और वेस्डे के दिन साढ़े नौ बजे से फर्स्ट ईयर वालों का पेपर कराया जाएगा किस चीज़ का प्रैक्टिकल का अब ये चौदह को भी हो सकता है और पंद्रह को भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कन्फर्म नहीं रहता है ये कॉलेज वाले से ही आपको मालूम चलेगा कि आपके कॉलेज पर क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल का कार्य होता है आपके कॉलेज पे होता है क्योंकि डी ने नोटिस भी भेजा था कि जो भी यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल की परीक्षा होंगी सेल्फ सेंटर होंगी तो उसमें आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है आपके कॉलेज पर ही होगी जिसमें सभी ट्रेडों का किसी भी ट्रेड से आप आई करें चाहे आपने फर्स्ट ईयर का छात्र है या सेकेंड ईयर के छात्र हैं आपका जो यहाँ पर कराया जाता है प्रैक्टिकल और इंजीनियर ड्राइंग का ऑफलाइन ही कराया जाता है तो फर्स्ट ईयर वालों छात्रों का जो कराया जाएगा वो चौदह पंद्रह तारीख को कराया जाएगा आप अपने कॉलेज पर जाकर संपर्क कर लीजिएगा यदि आप फर्स्ट ईयर के छात्र होंगे तो सेकेंड ईयर का जो यहाँ पर प्रैक्टिकल कराया जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं सोलह बारह दो हज़ार इक्कीस और सत्रह बारह दो हज़ार इक्कीस इनका भी दो दिनों के अंदर ही कराने की बात चलिए जो कि ट्यूजडे और फ्राइडे के दिन साढ़े नौ बजे से सेकेंड ईयर के छात्रों का कराया जाएगा ट्रेड प्रैक्टिकल का सभी ट्रेडों का किसी एक ट्रेड की हम विशेष के तौर पर बात नहीं करें सभी ट्रेडों का यहां पर कराने की बात चल रही है आप यहां पर थोड़ा सा आप नीचे आ जाइए नीचे आएंगे तो इसके बारे में आपको अदर भी जानकारी देखने को मिल जाते हैं कि यदि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं ट्रेड के में आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा यदि आप थ्योरी का पेपर देने जा रहे हैं इंजीनियरिंग थ्यूरी थ्योरी का मतलब कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का या फिटर थ्योरी का या मैकेनिकल थ्योरी का या किसी भी ट्रेड की थ्योरी का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे टोटल पचास क्वेश्चन आएंगे जो कि सौ मार्क का रहेगा और इसमें जो समय दिया गया है वो दो घंटे दिया गया इससे ज्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा इसमें साफ साफ लिखा भी गया है ठीक तो है ध्यान से सुनिएगा आप इसके बाद यहाँ पर वर्साप कैलकुलेशन और ई का जो पेपर होता है एक ही साथ होता है चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं दोनों में यहाँ पर आपको पच पच्च, पच्चीस पच्चीस पच्च क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और टोटल आपको यहाँ पर सौ मार्क दिया जाएगा पचास क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे लेकिन आपका जो रहेगा एक वर्कश कैलकुलेशन एंड साइंस से पच्चीस क्वेश्चन आएगा और इंजीनियरिंग जो कि इंप्लीबिलिटी स्किल से रहेगा ठीक है इम्प्लीबिलिटी स्किल से रहेगा पच्चीस क्वेश्चन तो टोटल यहाँ पर पचास क्वेश्चन इसमें भी हो जाते हैं ये भी आपका सौ मार्क का हो जाएगा और इसमें भी आपका जो आवर रखा गया दो घंटा ही रखा गया इससे कम समय आपका नहीं मिलेगा दो घंटा ही रहेगा इससे आपको मैं आपको बता देता हूँ आप यदि तेज़ी में रहेंगे तो दो घंटा भी आपको कम पड़ जाएगा ये दो घंटा वित्तीय समय नहीं लगता है एग्जाम में अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर ई एस का पेपर कराने की बात कर रही है अर्थात एम्पलेबिलिटी स्किल का जो कि नॉन इंजीनियरिंग देखिए मैंने आपको बताया था जब आई टी आई का एडमिशन हो रहा था बहुत सारे छात्र हैं जो कि इंजीनियरिंग से आई टी आई करते हैं और बहुत सारे छात्र नॉन इंजीनियरिंग से करते हैं तो जो नॉन इंजीनियरिंग से आई टी आई कर रहे हैं मतलब हम कह सकते हैं कि नॉन टेक्निकल वाले कोई भी वैकेंसी आती है तो आपने देखा होगा टेक्निकल की वैकेंसी आती है और नॉन टेक्निकल की वैकेंसी आती है तो टेक्निकल वाला में आई टी आई वाले भी फाइट कर सकते हैं मतलब फॉर्म को भर सकते हैं नॉन टेक्निकल वाला में यहाँ पर वही स्टूडेंट भरते हैं तो देखिए यहाँ पर नॉन इंजीनियरिंग से जो छात्र फॉर्म को फिलअप किए हैं आई में एडमिशन लिए हैं उनको भी यहाँ पर पच्चीस क्वेश्चन देखने को मिलेगा चाहे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या सेकेंड ईयर के तो पचास क्वेश्चन उनको भी मिलेगा और इनका यहाँ पर जो समय रखा गया वो एक घंटा रखा गया तो उनका एक घंटा यहाँ पर ड्यूरेशन रखा गया बाकी आप यहाँ पर पूरी जानकारी दे सकते और भी यहाँ पर कोई भी आपको जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं दी गई है बाकी आपका जो गाइडलाइन है वो तो आप सभी को मालूम ही होगा एग्जाम में जाते समय क्या आपको सावधानी रखनी है क्या क्या लेके जाना है तो ये सब यहाँ पर दिया गया कोई भी अदर इसमें जानकारी नहीं दिया गया उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए होंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कोई भी जानकारी आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी